बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नूरतराम रूडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने के बाद उनके मुद्दे भी तमाम एक साथ हो गए। लोगों को लगा कि ये जोड़ी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के आगे भी चलेगी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव दोनों ने ये कहा था कि ये गठबंधन लंबा चले। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, मन मुताबिक परिणाम नहीं आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये गठबंधन तोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने भी फिर कनारा करके अपने कमेटियों को भंग किया और उसके बाद नए सिरे से अपना काम शुरू कर दिया। यानी दोनों ही पार्टियों के अलग अलग राह हो गए। योगी सरकार जब से यूपी में बनी है तब से आंदोलन मुद्दों की कोई कमी नहीं रही है। योगी सरकार हर मुद्दे पर घिर सकती थी, लेकिन विपक्ष की कमजोरी की वजह से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन तमाम विपक्ष की कमजोरी की वजह से योगी सरकार बिल्कुल भी सामने नहीं है। लेकिन उन्नाव के अंदर एक रेप पीड़िता के साथ घटी घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आपको बता दें कि इस मामले के अंदर रेप पीड़िता का आरोप जो तय हुए थे, उस मामले में आपको बता दें कि एक लड़की की जलाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद पूरी तरीके से इस मामले के अंदर योगी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई, क्योंकि कुछ समय पहले हैदराबाद के अंदर सेम टू सेम घटना घटी थी, जहां पर एनकाउंटर करके चारों आरोपियों को मार दिया गया था। इसलिए योगी सरकार कटघरे में आ गई कि आप एक साल से उस लड़की को प्रोटेक्शन तक नहीं दे पाई, यानी सुरक्षा तक नहीं दे पाई। जब आरोपी जमानत पे थे तो आपको कम से कम उस महिलाओं को प्रोटेक्शन देना जरूरी था, लेकिन आप वो भी नहीं दे पाए। इस मुद्दों को लेकर आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, दोनों मैदान में उतरी। बहुत कम समय देखने को मिलता है कि जब दोनों पार्टी एक साथ एक मुद्दे पर उतरे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले ट्वीट किया, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मयंक कुमारी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आवास पर बुलाई, तो अखिलेश यादव ने राजभवन के बाद जाकर धरना दिया और वहां पर प्रेस वार्ता की। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने राजभवन से समय मांगा और राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन दिया। वहीं अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया और पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि आपको मैदान में उतरना है। अब इन दोनों ही मुद्दों को हम देखने की कोशिश करें, यानी दोनों पार्टियों की चाल चरित्र को देखने की कोशिश करें, तो लग रहा है कि दोनों पार्टियां एक साथ बराबर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष कौन होगा, यानी कि यूपी के अंदर अगली जो पार्टी होगी वो बीजेपी को टक्कर देने वाली कौन सी होगी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी। इन तमाम चीजों को देखना बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी यूपी में शासन कर चुकी है और समाजवादी पार्टी भी शासन चला चुकी है, तो दोनों ही पार्टियों के लिए। वैसे अगर हम अभी वर्तमान में विपक्ष जो विधानसभा का हाल है विपक्ष का यूपी के अंदर, तो उसको हिसाब से देखें तो दो नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है। लेकिन वर्तमान में लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने पर बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिल गई थी, तो उस हिसाब से दोनों के हिसाब देखें तो बराबर नजर आता है। लेकिन अभी अभी जो चुनाव सामने आए थे, उपचुनाव के नतीजे आए, उनमें बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिली, वही समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 3 सीटें उन्होंने हासिल कर ली। तो यानी कुल मिलाकर कोशिश करें तो एक आगे पीछे की रोड में लगा हुआ है। अब आगे कौन है कौन पीछे है ये तो समय बताएगा, लेकिन 2022 ही तय करेगा इन दोनों ही पार्टियों का भविष्य के आगे क्या होगा।